किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसान संचार की ओर से कि ब्यांत आए और ब्याने के बाद जो है पशुओं की देखभाल कैसे की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पशुपालन से पशुओं का दूध बेचकर या पशु को बेचकर आप अपने परिवार की आय भी बढ़ा सकते हैं। हरियाणा प्रांत में तथा भारत में व बाहर के देशों में भी हरियाणा प्रदेश की मुर्रा भैंसे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनका ब्यांत का समय ज़्यादातर अगस्त का महीना होता है, इसलिए इनकी देखभाल पर ब्यांत से पहले और ब्यांत के बाद ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो जो खास बातें ये हैं ध्यान देने की, उनकी बात करते हैं। ब्यांत आए पशु के लिए हम पहले कर रहे हैं बात, तो पशु को साफ सुथरे और बिना फिसलने वाले स्थान पर रखना चाहिए। पशु को जिस घर में रखें उसके अंदर हवा का आवागमन होना चाहिए, अर्थात रोशनदान और खिड़कियों का होना वहाँ बहुत जरूरी है, ताकि पशु घर के अंदर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की उत्पत्ति न हो जो पशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। पशु को दिन में 2-3 बार नहलाएं या उसके शरीर पर पानी डालें, ताकि ब्यांत आए पशु को गर्मी और कोई कठिनाई न हो। ब्याने वाले एक पशु को कम से कम 12 वर्ग मीटर जगह पशु घर के अंदर मिलनी चाहिए। इतनी ही खुली जगह देना भी बहुत जरूरी है, ताकि पशु को सुविधापूर्वक रखा जा सके। पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए जिसके अंदर हरा चारा हो, ये पाचकता बढ़ाएगा और विटामिन ए इत्यादि की पूर्ति भी करेगा। इसके साथ साथ प्रोटीन के लिए खलें, बिनौले, जो भी सस्ती पड़ती हो और बढ़िया व आसानी से मिलती हो देनी चाहिए, तथा ऊर्जा के लिए गेहूं, बाजरा और मक्का आदि के दाने देने चाहिए। इसके साथ साथ खनिज और विटामिन का देना ही बहुत महत्व रखता है, तथा फास्फोरस की पूर्ति के लिए चोकर डालना भी बहुत जरूरी है। पशु को उसकी इच्छा के अनुसार जितना भी वो पिए उतना स्वच्छ पानी और ताज़ा पिलाना चाहिए। पशुओं को कीचड़ों से बचाव के लिए पशुओं के स्थानों को, दीवारों को और पशु शरीर को दवाई से व हाथों से देखभाल करके कीचड़ व खाज रहित रखें। ब्याने वाले पशु को ध्यान से रोजाना देखें व उस पर निगरानी रखें। जब भी कोई परिवर्तन नजर आए तभी विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर ब्याने में ज़्यादा समय लगे तो पशु चिकित्सक की सलाह लें। ब्याने के बाद जो पशु की देखभाल करनी है उसके उस समय ध्यान रखें कि ब्याने के बाद 6 से 8 घंटे के अंदर सारी जेर बाहर न निकले, तो पशु चिकित्सक की सलाह लें। दूध पूर्ण हस्त विधि से ही निकालें तथा थनों का पूरा दूध एकदम न निकालें। नवजात कटलू बछड़ू को 1.5 घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर खीस जरूर पिला दें, तथा कटलू के शरीर के वजन का 1/10 हिस्सा खीस पिलाएं। मतलब यदि उसका 10 किलोग्राम वजन है कटलू का, नवजात का, तो आप उसे 1 किलो खीस जरूर पिलाएं। पशु को आवटी व नरम दलिया खाने को दें, संतुलित आहार दें, हरा व सूखा चारा पशु के शरीर व दूध की मात्रा के हिसाब से दें। तो किसान भाइयों बहनों, ये थी नए ब्याने के नज़दीक के पशु और जो ब्याने के बाद पशु की हम दुधारू की कैसे देखभाल करें इसकी जानकारी। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकती है। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।